दोस्तों हम वत्रा सिनेमा के सामने वाली गली में ही हैं, और कि बहुत सारे छात्रों ने हमसे कहा था कि आप जो है मुखर्जी नगर की कंडीशन अभी की बताइए कि कैसी है, तो वही आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि सैटरडे और संडे को पूरी तरीके से बंद रहेगा, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वही खुली रहेंगी, लेकिन दो दिन के लिए बंद रहेगा। इसलिए जो छात्र हैं कहीं ना कहीं अपने रूम से निकल करके मार्केट में आकर के ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। आप इधर देखेंगे सामने तो बहुत सारे जो छात्र और छात्राएँ हैं वो आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दुकानों से सामान खरीदने का काम कर रहे हैं। क्योंकि दो दिन के लिए सब कुछ बंद रहेगा, तो ये लोग अभी से ही खरीद के रखने में लगे हुए हैं। इस वाली गली में देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी बहुत सारे जो छात्र और छात्राएं हैं वो निकलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी जो छात्र हैं वो अपना सामान खरीदने में लगे हुए हैं, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो या फिर खाने पीने का हो। इधर आप सामने वाली गली में देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे जो छात्र हैं वो निकल रहे हैं, क्योंकि पार्क में कोरोना नहीं है लेकिन स्कूल में कोरोना है। सही कह रहे हो, स्कूल में मेरी बातें सुनो, पार्क में कोरोना नहीं है लेकिन जो है यहाँ दुकान, यहाँ जो सारा इंस्टीट्यूट जो बंद कर दिया, इसमें कोरोना है पूरा जो है। यहाँ पे जो है ना देख रहा है, सारा देख रहा है कि पार्क खुली हुई है, हर चीज है, उसमें कोरोना नहीं है लेकिन कोचिंग में कोरोना हो जाता है, इसीलिए कोचिंग बंद कर दो। कोचिंग जब बंद हो जाता है तो हम लोग का काम मंदा हो जाता है। अरे आप कोचिंग बंद करवाते हो तो भाई पार्क भी तो बंद करवाओ। हाँ पार्क में जाओगे, हाय जी, हेलो जी, यू जी, हाउ जी होते रहेगा। वो केजरीवाल को भी पसंद है और मोदी जी को भी पसंद है, हेलो हाय होता है वो पसंद। ये हेलो हाय आपने देखा होगा कई बार? भाई देखा हूँ, कई बार देखा हूँ, अच्छा नहीं लगता है। सबकी माँ बेटी रहती है भाई, माँ बहन सबका होते हैं, देखा हूँ। हमारे दुकान पे 10 बंदे खड़े हो जाएंगे। मैं इधर देखो, ये चार गमले काम। आप बताइए आपकी पढ़ाई पे क्या फर्क पड़ा है? अजी सर पढ़ाएगा क्या सर, अभी अभी नए नए तो आए, 3 महीने हुए कोचिंग लिए, तब से ऑनलाइन, कभी पोल्यूशन आ जाता है, कभी कोरोना आ जाता है, अरे ऐसे दिन कट रहे हैं। आप सोच रहे हैं गांव चले जाए पढ़ाई के चक्कर में, पहले एक साल उस कोरोना में 2020 में आने की सोचे थे और ये फिर आके और फिर अब गांव जा रहे हैं। कहाँ से हैं आप? सर राजस्थान जयपुर। अभी आए थे और फिर से चल दिए। आप बताइए आप कहाँ से हैं? ये यूपी बुलंद शहर। आप भी तैयारी कर रहे हैं क्या जाने की? तैयारी कर ही रहे सर जाने की, बस ये मान लो रेलवे एनटीपीसी का पेपर ही पोस्टपोन हो गया, सीजीएल का मेंस था वो भी पोस्टपोन हो गया सर। तो कुछ स्टूडेंट जो छात्र और छात्राएं अभी आना चाह रहे हैं आजकल में ही, उनको क्या, आप लोग आ चुके हैं अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको कहेंगे कि अभी तो फिलहाल मत आओ, अभी तो कोचिंग सारी बंद हो रही है ना, अभी तो सर ऐसा काम है, अभी आपके एनसीईआरटी जो भी है वो वही घर पे पढ़े जाओ, वही आप अपने घर पे जैसे गाइडेंस यूट्यूब पे बहुत से सर, मतलब जो भी कोई भी आपके गुरुजन है उनसे गाइडेंस लो और घर पे तैयारी करो, जैसा कि जो बताया जा रहा है, जैसे माहौल जैसे शांत होगा। ये जो है ना अंकल, इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं बताओ। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, पार्क में कोरोना नहीं है, कोचिंग में कोरोना है, शॉप पे कोरोना है। पार्क में कोरोना नहीं है, कोचिंग में कोरोना है, शॉप में कोरोना है, हर जगह कोरोना ही है। केजरीवाल हो या नरेंद्र मोदी, उसको सिर्फ जो है ना अपना पेट भरना चाहिए भाई। को ये बताओ, ये सही कह रहे हैं क्या, कोचिंग में कोरोना है पार्क में नहीं है? नहीं भाई साहब, कोरोना तो सभी जगह है, वो कोरोना का करना भी सही है। जिसके घर वाले, जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है, जिनके परिवार वाले गए हैं, तो उनको तो सरकार का भी लगाने वो है, लेकिन ध्यान रखना। जैसे कि अभी कोई कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, जैसे कि आप देख रहे हो अब कल से वीकली लॉकडाउन आपको लग रहा है इस माहौल को देखते हुए कि कहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है, तो वैसे कोई मुझे दिख रहा नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा भाई। आप बताइए आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। क्या करते हैं आप? शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बोलिए। गया बिहार से। क्या करते हैं आप? तैयारी करता हूँ यूपीएससी की। मैं अभी कॉलेज में हूँ। कॉलेज में हो। आप क्या करते हैं? गया बिहार कॉलेज में। यहाँ पे यहीं पर रहते हैं? हाँ यहीं पर रहते हैं। ओके, तो दोस्तों ये बताइए आप इधर आइए, इधर आपका कॉलेज वगैरह तो अभी बंद होगा, पढ़ाई पे क्या फर्क है? नहीं अभी ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन क्लास लेने में क्या फ़र्क पड़ा है, समझ आता है अच्छे से आना ही ऑनलाइन तो उसमें होता है, लेकिन जो फीलिंग फिजिकल क्लास में आती है वो ऑनलाइन क्लास में नहीं आती है। ओके, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? इधर आ जाइए आप, इधर एक मिनट, आपसे बहुत सारी बात कर ली है, आराम से करके जाएंगे। बताओ सर, लॉकडाउन लगने के बाद स्टूडेंट्स का बहुत सारा पहले से नुकसान हो चुका है, लेकिन अभी लॉकडाउन लगाना तो सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। हाँ लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हैं जो हमने अभी तक सीखा है लॉकडाउन उसके बारे में, उसको तो फॉलो करना चाहिए। बाकी
अगर क्लास बात रही क्लासेज और कॉलेज की, तो उनको कमिस्टेंस के साथ स्टार्ट कर देना चाहिए ऑफलाइन में, क्योंकि ऑफलाइन में स्टार्ट करने के बाद जो रहेगा, जो प्रैक्टिकली या फिजिकली क्लासेज रहती हैं और जो ऑनलाइन क्लासेज रहती है, उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। ऑफलाइन क्लासेज में थोड़ा पर्सनलिटी डेवलपमेंट भी रोल करता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में वो नहीं करता है। तो कंप्लीट लॉकडाउन लगाना इज नॉट ओनली सॉल्यूशन। तो मेरा कहना तो यही है कि लॉकडाउन तो नहीं लगाना चाहिए। जो छात्र अभी आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या जो लोग अभी आना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जो लोग अभी आना चाह रहे हैं, मेरे भी कुछ सारे फ्रेंड्स हैं वो सीएपीएफ के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से मैंने उनको मना कर दिया है। जो आना चाह रहे हैं उनको तो यही कहना चाहूँगा कि आ ही जाओ, क्योंकि घर पे तो अगर कर पा रहे तो बेटर है, नहीं कर पा रहे तो यहाँ आना तो ऑप्शन है ही फिर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बहुत सारे दोस्तों से बात की और यहाँ पे एक दुकान है भाई की, उनसे हमने बहुत ज़्यादा बात की और नेक्स्ट टाइम भी उनसे मंडे से फिर बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।